आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये गया पटना मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे 83, और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रहा है, घर में गंदगी फैला रहा है और आने जाने वाले लोग भी इसमें गिर जा रहे हैं। बाइक वाले आते हैं कोई सामान लेने के लिए, वो गिर जा रहे हैं, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं हम लोग के पास, इतना ऊंचा किया हुआ है। नेशनल हाईवे 83 जिसको कहते हैं, और इस रोड से आम लोग से खास लोग इसी रोड। स्थानीय लोगों से जानते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है। ये जो डस्ट छोड़ कर चला गया है, कचरा छोड़ कर चला गया है रोड के किनारे, इससे क्या परेशानी हो रही है। यहाँ पर काफ़ी दुकानदार भी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी परेशानी हो रही है। सर परेशानी है कि हम लोग को नई गाड़ी को लग पा रहा है, नहीं हमारे पास कस्टमर आ पा रहा है, बहुत सारी दिक्कत है, बच्चे गिर रहे हैं, इतने कचरा उड़ रहे हैं कि हम लोग नहीं खा सकते ना पी सकते हैं, बहुत हम लोग का दिक्कत है, किसी भी आमद नहीं है इस रोड से। प्लस में कब इतना कूड़ा करकट लगा हुआ है, जिसको कृपया करके सरकार से अनुरोध है कि इसको उठाया जाए। अच्छा, आपको पता है कि ये ठेका किसको मिला है? ये हमको पता नहीं है सर। मैं आपको बता दूं कि ये बुटको कंपनी को ठेका मिला है और पाइप बिछाने का उसको ठेका मिला था, लेकिन वो डस्ट छोड़ कर भाग गया, यही है ना? जी हाँ, पूरा सारे रोड में गड्ढा हो गया, हम लोग कहाँ से उसको भर के रखेंगे? आपको बताए, बाइक वाले आते हैं कोई सामान लेने के लिए, वो गिर जा रहे हैं, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं हम लोग के पास, इतना ऊंचा किया हुआ है। और ये डस्ट मोटर सारे बच्चे घर के अंदर नहीं निकल पा रहे हैं, न सही से खा पी ले, न सो पा रहे हैं, इतने सारे गर्दा उड़ रहे हैं। मेरा नाम पंडित। ये जो पाइप बिछाया जा रहा है और ये डस्ट छोड़ कर चला गया है, इससे आपको क्या परेशानी होगी? गाड़ी घोड़ा जो जा रहा है डस्ट है, वो हमारे घरों में आता है और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, घर में गंदगी फैला रहा है और आने जाने वाले लोग भी इसमें गिर जा रहे हैं। ऊपर नीचे जो रास्ता हो गया है, ये कई दिनों से इस तरह अतिक्रमण करके छोड़ दिया गया है, इससे यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ है और इसका कोई समय सीमा नहीं है कि ये कब काम पूर्ण रूप से होगा। तो आपको पता है कि ये जो ठेका मिला था, ये किस कंपनी को दिया गया? नहीं, ये रातों रात काम होता है और पाइप गिरा के चला जाता है। तो रात के आधी रात में आता है, काम करके निकल जाता है, चला जाता है और सबको पाइप कबाड़ देता है। लोग 1000-2000 लगा के फिर मैकेनिक ला के प्राइवेट अपना जोड़वा रहे हैं, बनवा रहे हैं रातों रात, पानी का भी किल्लत। और गर्दा से तो सभी लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसका शिकायत किए थे आप? शिकायत नहीं, आ ही नहीं रहा है कोई शिकायत करे, पता नहीं चल रहा है कि नगर निगम का काम है, वार्ड काउंसिलर का काम है या कुछ प्राइवेट कंपनी का टेंडर लिया है, कुछ पता ही नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये बुटको कंपनी को दिया गया है। अच्छा। और ये नगर निगम के थ्रू ही हो रहा है, जल नल योजना के तहत, मुख्यमंत्री का जो जल नल योजना चल रहा है उसके तहत ही काम हो रहा है। लेकिन परेशानी अभी और स्थानीय लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि आधी रात में आते हैं लोग और आधी रात को वो काम करके चले जाते हैं और पूरा डस्ट को छोड़ कर निकल जाते हैं। अभी तो बारिश हुई है तो कुछ दबा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा था, ऊंचा ऊंचा पहाड़ के तरह, पठार के तरह, ये बहुत ऊंचा हो गया। अगर कोई गाड़ी लगाने कोई वृद्धा औरतें हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनको आने जाने रिक्शा में भी परेशानी हो रहा है। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? इसको जल्दी से जल्दी इसे जो अतिक्रमण करके चला गया उसको हटाया जाए, कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये गया पटना मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे 83 जिसको कहते हैं, और इस रोड से आम लोग से खास लोग इसी रोड से आते जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, चाहे आम जन हो, सभी इस रोड से आते जाते हैं। और
इन सबों को स्थानीय लोगों को परेशानी ये हो रही है कि ये जो रात के आधी रात में आते हैं और गड्ढा खोद कर चले जाते हैं, गाड़ी भी फंस जाता है, एक्सीडेंट भी हो, गड्ढे खोद कर चले जाते हैं, जिससे बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसलिए इन लोगों का, स्थानीय लोगों का मांग है जिला प्रशासन से, गया जिला प्रशासन से, कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और जिसको ठेका दिया गया है उन पर कार्रवाई कर उचित कदम उठाया जाए और डस्ट को उठाने का काम करें। फैज़ अहमद, गया जिला, बिहार से, रिपोर्टर्स।